जलती शमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। राजा सयाजी राव गायकवाड़ की नगरी एवं सांस्कृतिक विरासत के शहर वडोदरा में अलकापुरी स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय निरंजना दीदी, आपका जन्म 1950 में वडोदरा में हुआ। बचपन से ही आपको आध्यात्मिकता में पढ़ाई में विशेष रुचि थी। आप शांति, पवित्रता और सत्यता की प्रतिमूर्ति हैं, साथ ही साथ वक्तृत्व एवं नेतृत्व कला की भी धनी हैं। ईश्वर एवं सत्य ज्ञान की खोज में दीदी को 1968 में परमात्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान इस धरती पर आ चुका है, इस बात ने उन्हें ईश्वरीय ज्ञान के प्रति आकर्षित किया। 1970 में आपको पहली बार संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में परमात्म मिलन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तभी आपने ईश्वरीय सेवा में समर्पित होने का दृढ़ संकल्प कर लिया। तब से दीदी जी विभिन्न वर्गों की सेवा करते हुए समाज में आध्यात्मिकता की ज्योति जगा रही हैं। 1995 में टावर ऑफ पीस भवन का उद्घाटन संस्था की तत्कालीन मुख्य प्रशासिका परमादरणीय दादी प्रकाशमणि जी ने किया। 2008 में अलकापुरी म्यूजियम का उद्घाटन देवे विभूति दादी जानकी जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। केवल देश में ही नहीं, विदेश में भी फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग आदि स्थानों पर भी आपने सेवाएं दी। वर्तमान समय वडोदरा सब जोन के अंतर्गत 42 सेवा केंद्र, 400 गीता पाठशालाओं में 5000 से भी अधिक विद्यार्थी इस ईश्वरीय ज्ञान का भरपूर आनंद ले रहे हैं। इस महान ईश्वरीय कार्य में 100 से भी अधिक समर्पित बहनें दीदी जी के साथ साथ अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इस ज्ञान से पहले परिवार के अंदर भी अच्छा भक्ति का वातावरण था। वैष्णव होने के कारण हम श्री कृष्ण को ही भगवान समझते थे और श्री कृष्ण में ही बहुत एक अंदरूनी श्रद्धा थी। मुझे याद है कि पहले एक बार मुझे स्वप्न में ही
शिवलिंग का साक्षात्कार हुआ था। जैसे कि मैं एक बहुत सुंदर शिवलिंग था, उसके आसपास बहुत सुंदर गुलाब के फूलों से ओम लिख रही थी और एक डीप साइलेंस का अनुभव हुआ। दूसरे दिन सुबह में मेरी फ्रेंड जो ब्राह्मण थी वो शिव को मानने वाली थी, तो मैंने उसको यही कहा कि तुम्हारे भगवान मेरे स्वप्न में क्यों आए, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण को ही मानने वाले थे। आपको शायद पता होगा कि वैष्णव परिवारों में शिव का नाम भी नहीं लेते हैं जो श्री कृष्ण को मानते हैं। परंतु इसके थोड़े ही समय के बाद वडोदरा में ब्रह्मा कुमारी के द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, वो मैं देखने के लिए गई। प्रदर्शनी देखा, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, परंतु एक बात मन में रह गई कि वो लोग कहते थे कि भगवान सृष्टि पर आ चुके हैं। तो मन में यही बात रही कि अगर भगवान स्वयं आ चुके हैं तो ज़रूर हमें उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि पहले से ही आध्यात्मिक मार्ग में बहुत रुचि रही। हमेशा भिन्न भिन्न आश्रम में जाना हुआ और यही पूछते थे कि आप क्या भगवान से मिला सकते हैं, पर कहीं पर भी यथार्थ जवाब नहीं मिलता था। मैं समझती हूँ कि मुझे ये मन के अंदर रहता था, ये प्रश्न हमेशा रहता था कि व्यक्ति मानव कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। इसी बात को जानने के लिए अनेक आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने में भी बहुत रुचि रही, जैसे ज्ञानेश्वरी गीता है, विवेकानंद की पुस्तक है, वो सभी बार 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 हम पढ़ते थे। और जब पढ़ाई की बात हुई तो भी इसीलिए मेडिकल लाइन चूज किया कि मे बी कि जन्म और मृत्यु दोनों का हमें जानकारी चाहिए थी, इसीलिए जहाँ पर दोनों के बहुत नज़दीक जा सकते हैं वही लाइन पढ़ाई में भी पसंद किया, क्योंकि मेडिकल लाइन में हम जन्म और मृत्यु से बहुत नज़दीक अनुभव कर सकते हैं। यही लक्ष्य लेकर के मेडिकल लाइन भी चूज़ किया था और उस वही स्टडी चालू किया। उस स्टडी के दौरान ही हमें ये परमात्मा का संदेश मिला और मुख्य संदेश यही था कि भगवान आ चुके हैं। यही संदेश को लिए हुए जैसे हमें कहा गया, हमने भी 7 डेज कोर्स होता है वो करना शुरू किया, क्योंकि मन बुद्धि साइंटिफिक था इसलिए जल्दी से ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता था। मुझे याद है कि शायद 7 दिन का कोर्स करने में हमें 1 महीने से भी ज़्यादा लगा, पर फिर भी इन बात को लेकर के हम नियमित रूप से क्लास में जाने लगे। मुझे याद है कि मैंने कभी भी ये जो सुबह का मुरली क्लास होता है मिस नहीं किया है, चाहे हमारी एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, परंतु कभी भी मिस नहीं किया। 1968 में हमें ये बाबा का संदेश मिला, परंतु वैष्णव परिवार से आने के कारण हमें ये छुट्टी नहीं मिली कि हम अबू में जाकर के बाबा से मिल सके। इसलिए पहली बार 1970 में हमें 18 जनवरी बाबा से मिलने के लिए जाना हुआ। जब मधुबन बाबा से मिलने के लिए जा रहे थे तो भी मन के अंदर यही बात थी कि कैसे हम भगवान से मिलेंगे, क्या वातावरण हो गया, क्या अनुभव होगा, यही मन के अंदर चलता रहा। और जब हम मधुबन पहुँचे तो मधुबन का जो वातावरण था, जिसके अंदर एक गहन शांति का अनुभव हो रहा था, मुझे याद है कि कोई एक शब्द भी नहीं बोल रहा था, और ये महसूस होता था कि ये वही जगह है जहाँ पर स्वयं परमात्मा ने आकर के कर्म किया है, सबके साथ बात की है, सबके साथ बोले हैं, घूमे हैं, फिरे हैं, ये वही जगह है। और इसलिए इस बात को देखते हुए सोचते हुए एक ऐसी आत्मस्थिति का अनुभव था। जब बाबा से मिले तो बाबा ने, मैं समझती हूँ, लगभग 20 से 25 मिनट तक व्यक्तिगत रूप से बात किया
और बाबा आत्मा की बात समझा रहे थे और बाबा ने लास्ट में मुझे कहा कि तुमने अचल घर देखा है, तो उस समय मैंने नहीं देखा था। मेरे साथ जो हमारी टीचर आई थी चुगी दादी करके, उनको बाबा ने बताया कि अचल घर इसका यादगार है, तो इनको अचल घर जरूर दिखाना। तो इस बात को लेकर के फिर जैसे हम चले, क्योंकि एक संदेश तो मिल चुका था, भगवान आ चुके हैं, बाबा से भी मिले, पर तो भी हमने बार बार इस बात को अनुभव में लाया कि अगर भगवान है तो मुझे ये अनुभव हो जाए। एक बार की बात है कि हम जब बाबा से हमेशा योग किया करते थे अपने स्थान पर भी, तो बाबा से बुद्धि योग के द्वारा जाकर के मिलते थे। बाबा को यही बात बताते थे कि बाबा हम तो बिल्कुल नए हैं, हम मधुबन जाएंगे तो हमको तो कोई नहीं पहचानेगा क्योंकि हम तो नए हैं, परंतु हम आपसे मिलते हैं रोज, इसलिए आप तो हमें पहचानते हैं। यही बातें हम योग में किया करते थे और यही अनुभव एक बार मधुबन में जाकर के हुआ कि जब हम मधुबन में गए शुरू में, तो हम बाहर खड़े थे, बाबा ने विशेष बुलाया। जब हम बाबा से मिलने के लिए गए तो बाबा ने दादी को कहा कि दादी आप इनको पहचानते हो, ये मेरी योगिन बच्ची है। तो वही अनुभव हुआ जो हम घर बैठे बाबा को याद करके कहते थे, जैसे कि उनका ही जवाब बाबा ने हमें दिया। तो ये एक मन में सिद्ध हो गया कि स्वयं भगवान ही सृष्टि पे आया हुआ है, हम भगवान से ही मिल रहे हैं, जो बात हम बाबा से करते हैं वो बात बाबा सुनते हैं और उसका रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो इसी बात का बार बार अनुभव हुआ। और एक विशेष बात ये रही कि इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि स्वयं भगवान ही आके पढ़ा रहे हैं, इसीलिए फिर कभी भी कोई भी प्रोग्राम होता था मधुबन के अंदर तो हम कभी मिस नहीं करते थे। उस समय हम स्टडी कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे जहाँ पर लगभग कोई एब्सेंट नहीं लगाई जाती है, पर फिर भी जब कभी भी प्रोग्राम होता था तो हमें मन में यही होता था कि ये तो भगवान का बुलावा है। पढ़ाई तो एक बात है, परंतु जब भगवान स्वयं बुलाते हैं तो कैसे हम ना कर सकते हैं। तो ऐसे ही रहा कि जब हम मधुबन गए तो भी फिजिकल रूप से पढ़ाई मिस होती थी, परंतु हमें उसका लाभ जरूर मिल जाता था, जैसे बाबा हमेशा मदद करते थे, ऐसा अनुभव रहा। पढ़ाई पूरी करने के बाद, बेसिक ग्रेजुएशन MBBS करने के बाद भी बहुत लोगों का कहना था कि आप MBBS तो कुछ भी नहीं है, अभी MD तो ज़रूर करना चाहिए, MD या MS जरूर करना चाहिए। हमारे टीचर्स थे, लौकिक परिवार था, हमारा फ्रेंड सर्कल था, सबने कहा कि ऐसे कैसे आप आधे में छोड़ सकते हो पढ़ाई, आगे ज़रूर पढ़ना चाहिए। परंतु मन में ये निश्चय रहा और हम कहते थे कि देखो, शरीर को अच्छा करने वाले, शरीर की ट्रीटमेंट करने वाले तो बहुत डॉक्टर हैं, अभी आज के समय में जो आवश्यक है वो व्यक्ति की आत्मा की, मन बुद्धि को ट्रीट करने की ज़रूरत है। इसलिए मन में निश्चय किया कि अगर मुझे रूहानी सेवा में लगना है तो आगे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसी बात को सोचते हुए हमने नक्की किया कि हम अपने जीवन को इस ईश्वरीय सेवा में ही लगाएंगे। और इस बात को सोचते हुए हम उसी समय से फिर सेवा केंद्र पर रहते हुए ईश्वरीय सेवा करना शुरू किया। शुरू में लौकिक परिवार और सबके कहने के कारण ईश्वरीय सेवा के साथ साथ लौकिक सेवा भी कुछ समय तक किया, जिसमें मरीजों की ट्रीटमेंट किया, परंतु उसके बाद विशेष VRS लेकर के फिर संपूर्ण रूप से बाबा की सेवा में उपस्थित रहे। मित्रों, भगवान की खोज में दीदी जी ने अनेक महान ग्रंथों और पुस्तकों का अध्ययन किया और कई महान आत्माओं से भी मिली, परंतु उनकी संतुष्टि नहीं हो पाई थी। तब जाके उन्होंने मेडिकल फील्ड चुना और जन्म और मृत्यु के रहस्य को जानने की भी कोशिश की। फिर 1968 में दीदी जी को सत्य ज्ञान का परिचय हुआ और 1970 में दीदी जी
मधुबन बाबा से मिलने गई पहली बार और बाबा ने उन्हें एक वरदान दिया, बच्ची तुम अचल अडोल आत्मा हो। तो आज वही वरदान को हम दीदी जी के जीवन में प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। बात लगभग 1972-73 की है। बाबा को कुमारियों में बहुत उम्मीद थी। बाबा को था कि विश्व के अंदर बाबा का नाम रोशन करने के लिए कुमारियों को विशेष तैयार की जाए, ट्रेनिंग दी जाए। तो मैं समझती हूँ उस समय बाबा ने एक विशेष ट्रेनिंग रखी थी, जो इंग्लिश स्पीकिंग बहनों की ट्रेनिंग थी। सभी दादियाँ और हमारे वरिष्ठ भाई जगदीश भाई जी विशेष ट्रेनिंग करा रहे थे और वो ट्रेनिंग के अंदर सब बातों की ट्रेनिंग, ज्ञान की तो ट्रेनिंग थी, ज्ञान समझने की, समझाने की, इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की, पर साथ साथ क्या गुण धारण करना और निश्चय पक्का करने के लिए भी विशेष बातें बताते थे। एक बार की बात है कि उसी समय में एक सन्यासी दादी जी से मिलने के लिए आए थे और दादी जी को कहा उस सन्यासी ने कि भाई तुम लोग तो ये छोटी छोटी कुमारियों को ऐसे ही भोली भोली कुमारियां हैं और उनको आप यहाँ ले आते हो, उनको उन्होंने कोई संसार तो देखा नहीं है, ऐसे ही आप ले आते हो। तो दादी वहाँ ही बैठे थे और दादी ने कहा देखो अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है, कुमारियाँ उसमें बैठी है, आप कोई भी कुमारियों को बुला लो और आपको जो मन चाहे प्रश्न आप उससे पूछ सकते हो। तो उस समय की बात है कि दो तीन कुमारियों को ट्रेनिंग से बुलाया गया, उसमें मुझे भी बुलाया गया था और सन्यासी ने काफ़ी प्रश्न पूछे, यही कहा कि आपने तो संसार को देखा ही नहीं, तो संसार अच्छा नहीं है और ये ज्ञान अच्छा है वो आप कैसे कह सकते हैं। तो हमने उनको यही कहा था कि भाई आपने संसार देखा है क्या, आपने क्यों फिर संन्यास किया। तो ये एक आध्यात्मिक रुचि की बात है और हमें ये महसूस हुआ है कि संसार के अंदर जो कुछ भी है उससे उत्तम ये ज्ञान है, ध्यान है और जीवन को सेवा के लिए समर्पित करना ये उत्तम है। इसलिए हमने अपने ही विचार से, अपने ही निर्णय से, अपने ही निश्चय से इस जीवन को पसंद किया है। तो ऐसी बातों को सुन करके उनको बहुत खुशी हुई। मुझे याद है, अनुभव है कि फिर सभी दादियाँ जो हमारे वरिष्ठ भाई थे वो सभी ऐसे लगते थे जैसे कि वो हमारे अपने हैं और वो ध्यान भी ऐसे ही रखते थे जैसे कि हमारा जीवन बनाने की उनकी जिम्मेवारी है, उनकी रुचि है। 1972 में कन्याओं की टीचर्स ट्रेनिंग में दीदी जी ने दादियों से विशेष पालना लेकर के ज्ञान योग से भरपूर होकर इस ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार करने हेतु वडोदरा शहर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। आज दीदी जी इस आध्यात्मिकता को अपने में धारण कर सभी को श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। मेरे भारत में आए हैं तो
जागो, वक्त भी है कम, होता है आबू में खुदा से मिलन। मेरे भारत में आए हैं भगवान। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निरंजना बहन को पिछले 46 सालों से मैं जानता हूँ। बहुत ही एक दृढ़तापूर्ण व्यक्तित्व उनका रहा हुआ है। हमेशा उनका यही कहना है कि ड्रामा में बाबा के ज्ञान के बारे में हमेशा सक्सेस ही नुंदा हुआ है, इसलिए कोई भी कैसे भी बात हो परिस्थिति से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, यही उनकी प्रेरणा हमेशा रही हुई है। हमेशा उनके जीवन के अंदर में मैंने जो देखा, एक हार्ड वर्क, कोई भी परिस्थिति में कैसे भी कंडीशन खुद के शरीर की भी हो, लेकिन हार्ड वर्क उन्होंने नहीं छोड़ा। दीदी का नेचर बड़ा फ्रैंकली नेचर है। मेरी एज में और उनकी एज में लगभग 3 जनरेशन का गैप है, पर कभी ये फील नहीं हुआ, क्योंकि उनका प्यार वाला और स्नेह वाला नेचर जो हमें हर बात को कैसे करेक्ट करना है वो सिखाते हैं। उनका यही कहना है कि ब्राह्मण जीवन में संगम युग में लव ही लॉ है, तो हर चीज़ को बड़ा ही प्यार से वो सिखाते हैं, यही हमें सिखाते हैं, और हम दूसरों को कैसे सिखाएं वो सिखाते हैं, और जिससे ही ये संगठन बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथली चलता है। जैसे जैसे उनके संपर्क में हम आते गए, हमें वो ख्याल आने लगा कि पूरे दिन भर योगयुक्त रहने से कितना अच्छी तरह से हमारी दीदी इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सुचारू ढंग से चला रहे हैं। मैंने हमारे दीदी में ये भी एक विशेषता देखी कि वो हर कोई के साथ टू द पॉइंट बात करते हैं, फिर भी किसी को वो महसूस भी नहीं होने देते कि दीदी ने हमें ज्यादा टाइम नहीं दिया। हमारी दीदी जो हैं वो शांत और सागर के समान हैं, किसी भी अवस्था में किसी भी परिस्थिति में हलचल में नहीं आती, और हम सब विद्यार्थी उनको पाकर बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि हम उनसे शिक्षा लेते हैं कि कैसे हर परिस्थिति में शांत रहा जाता है, परमात्मा को सौंपा जाता है, और परमात्मा स्वयं अपना कार्य सफलता से सुंदर तरीके से करवाते हैं। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग
चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सभी प्रोग्रामों के साथ साथ मन के अंदर ये विशेष धारणा रहती है कि ये सब करने वाला कराने वाला स्वयं भगवान है। कभी भी ये मन में नहीं आता है कि हम कर रहे हैं, हम निमित्त हैं। इस बात को हमने प्रैक्टिकल में लाने के लिए भी प्रयोग करके धारणा किया, मन को समझाया कि देखो आप नहीं हैं तो भी अच्छा प्रोग्राम हो ही सकता है, आयोजन की बात है। निमित्त अपने आप को समझ करके जब कार्य करते हैं तो हमें अनुभव है कि सफलता बहुत ज़्यादा मिलती है। उसी प्रकार मन के अंदर हमेशा एक निश्चय और विश्वास रहता है, क्योंकि कार्य बाबा का है, बाबा को करना है, इसलिए सफल भी बाबा को ही करना है। हमें अनुभव ये है कि कभी भी हमें मन के अंदर चिंता नहीं रहती है कि प्रोग्राम कैसे होगा, सफल होगा कि नहीं होगा। नहीं, एक अंदरूनी निश्चय रहता है कि प्रोग्राम को सफल होना ही है और हमेशा होता ही है। इसीलिए मैं समझती हूँ कि ये कार्य जो भगवान का है, संकल्प उनका है, करना उनको है, हम केवल निमित्त है। तो जैसे दादी जानकी जी हमेशा कहती है हंसी में कि कार्य भगवान का है, हम उनको मदद कर रहे हैं। ये नहीं कहते कि हमारा कार्य है और भगवान हमें मदद करे, नहीं, ये कार्य ही भगवान का है और हम तो उनके मददगार हैं, तो करना ही उसको है, सफल भी उसको ही करना है। भगवान है भगवान पढ़ाते हैं, हम कितने भाग्यवान है भगवान पढ़ाते हैं, हम कितने भाग्यवान है भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते, अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं, हम कितने भाग्यवान हैं। प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। पवित्रता आनंद प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। अविनाशी सच्चा धनवान बनाते हैं, अविनाशी धन दे
नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं अजब नशा है गजब खुशी